कहीं से टाइम कोई वापस से क्वेश्चन, वही कर दीजिए सर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम, उसमें थोड़ा सा पावर वाला कंसेप्ट बचा हुआ उसको बता देंगे, तो पहले इसको एक बार इलेक्ट्रिसिटी को मन से रिवाइज करो, ठीक। सर विजिटिंग करने का इसको पड़ेगा, क्या बाबू, क्या बोलिए बाबू, विजिटिंग विजिटिंग कर रहे, कल तो उधर जाएंगे बाबू, नवादा साइड जाएंगे, राजगीर साइड जाएंगे, तो अगले वीक में ही ना आ पाएंगे, ठीक है ना। सर राजगीर का अरे भी स्टूडेंट है मेरे पास। हाँ बाबू, राजगीर का है, उधर नवादा का, ठीक है ना, तो उधर जाना, पूरा इंडिया धीरे धीरे कवर करना है बाबू। कल गए थे आप तो बाबू, पहले तो सिर्फ संडे को निकलते थे, अब तो डेली निकलते। कल गए थे उधर साइड में, अंबेर साइड में, मैंने यहाँ से, मैंने 15-20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो अब तो डेली निकलते हैं। चलो बाबू, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, प्रोटॉन बाबू देखो, अच्छा ठीक है, आइटम होता बाबू, तो आइटम म्यूट कर लो बाबू, म्यूट कर लो, बहुत परेशान करते आप लोग, ठीक है, अरे म्यूट कर। तो आइटम के अंदर क्या होगा सर, प्रोटॉन होगा सर, इलेक्ट्रॉन होगा सर, न्यूट्रॉन होगा, ठीक ठीक हो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है सर, और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, ठीक है। तो अब इसका चार्ज का वैल्यू कितना होता है, ये डाटा को याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पे, वन इलेक्ट्रॉन पे बाबू, जो चार्ज होता है 1 पॉइंट बाबू माइनस में 1.6 बाबू इंटू 10 टू द पावर बाबू -19 कूलम होता है, ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना। एक इलेक्ट्रॉन पे बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बाबू, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बाबू कितना होता है, 1.6 बाबू माइनस में 1.6, इलेक्ट्रॉन क्या सर, निगेटिव चार्ज है ना, निगेटिव चार्ज है, इसलिए निगेटिव आएगा, इतना कूलम का चार्ज होगा, इतना कूलम का चार्ज होगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पे कितना होगा सर, तो इतना ही कूलम का चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है बाबू, कूलम होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, 1.6 बाबू इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, ये डाटा याद रखना, ठीक है ना। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है सर, तो यहाँ प्लस हो जाए, वो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज होता है बाबू, साइन से क्या होता है, माइनस होता है, न्यूट्रॉन बेचारा बौधा है, इस पे चार्ज जीरो होता है, इस पे कोई कूलम का चार्ज नहीं होता ना, कोई कूलम का चार्ज नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, जो प्रोटॉन होते हैं बाबू, कहाँ पाया जाता है, इन साइड में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना बाबू, आइटम के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है ना बाबू, कहाँ रख लोकेटेड रहता है, न्यूक्लियस में, है ना, ठीक सर। अब इसका मास कितना होता है बाबू, प्रोटॉन का सर मास कितना होता है, मास मास मान उसको तोलेंगे सर तो कितना भारी हमको लगेगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो मास होता है बाबू, मास होता है 1 पॉइंट बाबू 6 7 बाबू 6 7 × 10 टू द पावर बाबू -27 kg होता तो इतना है, लंबा याद कैसे होगा? शैतान कहाँ लंबा है, ठीक है। मास बाबू, जो प्रोटॉन है इसका मास कितना होता है बाबू, मास कितना होता है, 1.67 × 10 टू द पावर -27 kg होता है ना, इतना भारी होता है प्रोटॉन मेरा, क्या होता है बाबू, इतना भारी होता है, इतना भारी होता है, ठीक है ना, इतना भारी होता है। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 बाबू इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है, ठीक है ना, 31 kg होता है, ठीक है, 31 kg होता है, ठीक बाबू, ठीक। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है शैतान, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बाबू, ठीक है ना, ठीक है, या डाटा याद रखना, चार्ज बाबू 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वही सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम सर, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मास होता है बाबू इतना केजी होता है, ठीक है ना, तो ये केजी क्या, बहुत छोटा है बाबू, 10 टू द पावर -27 है, बात समझो कितना कम मास है सर, 10 टू द पावर -27 है। अरे बाबू 10 टू द पावर -2 रहता था इसको क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं ना बाबू, 1/100 लिखते हैं ना, तो 10 टू द पावर -27 को क्या लिखेंगे, 1/10 पे कितना जीरो सर, 10 27 जीरो, तो कितना छोटा, एक 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 का बाबू क्या, बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा, तो इतना क्या होता है इसका मास होता है बहुत छोटा है, निगेटिव नंबर आने से बाबू क्या होता है, नंबर बहुत छोटे हो जाता है, वैल्यू का बहुत छोटा हो जाता है, तो इतना छोड़ गया, मास ऑफ बाबू, मास ऑफ बाबू, मास ऑफ बाबू, सर, मास ऑफ तो ये इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन का जो मास है इसको ऐसे ही लिखेंगे या कई जगह पर कई तरीके से लिख सकते हैं ना इसको? हाँ बाबू, इसको ऐसे लिखवाओ, चाहे इसी को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -24 हो जाएगा, इसको ग्राम में, या तो केजी में करेगा, चाहे ग्राम में करेगा, यही करेगा बाबू, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना आता ही है, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, वो न्यूट्रॉन का मास होता है जो प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है ना बाबू, ये लगभग बराबर होता है, 1.67 बाबू इंटू 10 टू द पावर -27 होता है ना, तो प्रोटॉन का मास दोनों कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, तो प्रोटॉन सर और न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन जो, का इन्वेंटर का नेम नहीं बताया। अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का बाबू, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दोनों क्या होता है, नियरली इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 होता है, 9.1 होता है ना बाबू, 9.1 होता है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, जो न्यूट्रॉन का खोज किया था, इसका खोज किया था, प्रोटोन का खोज किया था गोल्डस्टीन, ठीक है ना, गोल्डस्टीन खोज किया था,
न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो चैडविक खोज किया था, क्या किया था वो, CHAW चैडविक, कौन खोज किया था वो, चैडविक, CHADWIC चैडविक खोज किया था, चैडविक खोज किया था न्यूट्रॉन का, है ना बाबू, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था वो, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था जे जे थॉम्सन किया था, इसका डिस्कवरी कौन कौन किया था, जे जे थॉम्सन किया था, है ना, ये सब याद रखना, थॉम्सन, ठीक है, जे जे कौन कौन किया था वो, थॉम्सन, इसका क्या किया था डिस्कवरी, ठीक है, इसको क्या एक्सपेरिमेंट बाबू आगे आपको, हाँ बाबू, इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉम्सन किया था, जे जे थॉम्सन किया था, ठीक है ना, और प्रोटॉन को बाबू गोल्डस्टीन किया था, और इसका न्यूट्रॉन का चैडविक किया था, चैडविक, चैडविक। तो इस इतना डाटा आपको प्रोटॉन के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से याद रखना है, इसको हम फिजिक्स में यूज करेंगे। प्रोटॉन पे चार्ज कितना सर, इतना कूलम का चार्ज, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज, ठीक है सर। मास कितना सर, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, ये बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा है, माइनस है, बहुत छोटा होगा, ठीक है, डिस्कवरी याद रखो चाहे नहीं रखो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लगा, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस वन चार्ज, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा सर, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बाबू 9.1 × 10⁻³¹ kg, चार्ज सर −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसका थॉम्सन, इसका चैडविक, है ना, न्यूट्रॉन बेचारा बहुधा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है ना, वो जीरो होता है। तो अभी हम लोग कहाँ गए सर, अभी हम लोग कहाँ गए बाबू, मैटर गए, मैटर को बता दें आपको, है ना, मैटर को कट करो, छोटा छोटा आइटम होगा, आइटम को और एक्सपेरिमेंट देखा गया, तो कहाँ तीन को, इसमें तीन को पार्टिकल पाएगा, प्रोटॉन बाबू, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीन को क्या हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गया, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आगे बाबू, अब ये हो गया आइटम हो गया, थोड़ा सा और थोड़ा सा सीखो, और सीखो, लिखा देंगे कभी, अभी सीखो आराम से, है ना, नेक्स्ट बाबू, अब आइटम होगा सर, आइटम, तो हम लोग क्या बाबू, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, सेब थोड़ी पढ़ेंगे, सेब पढ़ेंगे बाबू, या बनाना पढ़ेंगे, समझे ना, पढ़ेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करेंगे, है ना, लैंग्वेज यूज करेंगे, है ना, तो जो आइटम होगा बाबू, अरे नया चैप्टर है केमिस्ट्री में, हाँ बाबू, फ्रेश चैप्टर, नया चैप्टर, ठीक है ना, इसमें बहुत चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, इसको मन से पढ़ गया तो फिर केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा, आई मेले बाबू वही है, 2-3 का सिलेबस से ज्यादा कुछ तो है नहीं, कपड़ा कम दे दिए सर, कोई घर बन रहा है, उस घर का आइटम ईट ही हो गया ना, हाँ बाबू, घर का सबसे छोटा ब्रिक्स हो गया, है ना, अब ब्रिक्स में बहुत सारे क्या रहेंगे, छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल रहेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान लो, अब ब्रिक्स को बाबू, ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के क्या बनाओगे, बाल बनाओगे, बाल को जो दीवार, दीवार को जोड़ जोड़ के क्या बनाओगे, रूम बनाओगे, रूम को जोड़ेगा बाबू तो क्या बनेगा आपका बाबू, रूम को जोड़ेगा तो एगो फ्लैट बनेगा, फ्लैट को जोड़ेगा बाबू तो एगो फ्लोर बनेगा, फ्लोर को जोड़ेगा बाबू तो स्टोरेज बनेगा, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, है ना बाबू, तो ऐसे है बाबू, ठीक है, नेक्स्ट बाबू, अब जो आइटम है सर, तो आइटम खाने के बाद केमिस्ट्री में क्या लेंगे सर, जैसे मेरा हाइड्रोजन हो गया सर, ऑक्सीजन हो गया सर, नाइट्रोजन हो गया सर, है ना बाबू, ये सब क्या है सर, आइटम है, ये सब क्या, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का आइटम हो गया सर, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का आइटम हो गया सर, ये नाइट्रोजन का आइटम हो गया, है ना बाबू, ठीक है, ठीक है सर, है ना, कार्बन है सर, तो कार्बन का आइटम हो जाएगा, है ना, कार्बन का आइटम, ठीक, अब ये आइटम आपस में दोस्ती करते हैं, अकेला तो बाबू रहना पसंद करेगा नहीं, अकेला रहना पसंद करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है ना, फ्रेंडशिप करेगा, ठीक है, ठीक है सर, अरे शैतान, एक कोयला उठा लो, कोयला को सबसे छोटे छोटे पार्ट के करो, है ना, तो उसमें क्या मिलेगा, कोयला में क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, है ना, तो बाबू जब ये दोस्ती करता बाबू, तो मान लो हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे आप मान लो क्लास 6 में हो, तो 6 वाला बाबू अगर 6 से फ्रेंडशिप कर रहा है ना, मतलब अपने जैसे आइटम से फ्रेंडशिप कर रहा, ठीक है बाबू, तो आइटम आइटम मिलकर क्या बनाएगा, अगर सिमिलर आइटम मिल रहे हैं बाबू, सिमिलर आइटम मिल गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एलिमेंट कहेंगे, है ना, एक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, अगर एक ही टाइप का बाबू, एक ही टाइप का आइटम से, बात समझो बाबू इस, ठीक है, देखो अगर एक ही टाइप का आइटम बाबू, जैसे मान लो क्या ले लो, रोड ले लो, रोड ले लो, पहले एक एलिमेंट आता, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं बाबू, बता चुके हैं, बता चुके हैं, पहले समझो आइटम हो गया बाबू, तो कोई बाबू देखो क्या है, जैसे कहाँ गया जी, नहीं कुछ हुआ है, जैसे बाबू ये क्या नाइफ है, नाइफ है ना बाबू, नाइफ है, ठीक है, तो एक बाबू मान लो कि लोहा वाला नाइफ हो सकता है ना बाबू, आयरन का नाइफ है, ठीक है, तो वैसा बाबू, वैसा सब्सटेंस बाबू जो एक ही टाइप के आइटम से बना हुआ बाबू, आपको हमको कुछ बनाना है तो आइटम को क्या करेंगे, आइटम को कंबाइन करके बनाएंगे, ठीक है, तो जैसे आयरन पीस लेते हैं, आयरन का रॉड ले लेते हैं, ठीक है, तो आयरन के रॉड में बाबू सिर्फ कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, एक ही टाइप का आइटम रहेगा ना, Fe, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है, ठीक है ना, तो वैसा सब्सटेंस बाबू जो एक ही टाइप के आइटम से बने हो, एक ही टाइप के आइटम से बने, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एलिमेंट कहेंगे, जो एक ही टाइप का आइटम रहेगा, जिसमें बाबू एक ही टाइप का आइटम रहेगा बाबू, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, है ना, जैसे क्या हो गया बाबू, लोहा हो गया, जैसे बाबू गोल्ड हो गया,
ठीक है ना, गोल्ड हो गया है ना, तो गोल्ड हो गया, तो गोल्ड में क्या बाबू, एयू रहेगा, एयू रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गोल्ड क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट या आइटम को सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, आइटम हो जाएगा है ना। तो आइटम को कंबाइन कर दो, आइटम को बाबू कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो, ठीक है ना, आइटम को क्या कर दो बाबू, जोड़ जोड़ के क्या मेरा बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे है ना बाबू। तो एलिमेंट क्या हुआ, सिमिलर टाइप ऑफ आइटम, सिमिलर टाइप ऑफ आइटम अगर कंबाइन हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे है ना, एलिमेंट कहेंगे, ठीक, एलिमेंट कहेंगे। ध्यान, बाप रे बाप, प्रकाश सिंह नारायण, इसका तो बहुत ज्यादा, नारायण का सबसे ज्यादा मेरा इस पर ऑन था सर। हाँ बाबू, वो हम इधर देखते तो ऑन हो जाता, चलो ठीक है, ठीक है बाबू। तो आइटम क्या होता है बाबू, एक ही टाइप के बाबू, एक बिल्कुल एलिमेंट क्या होता है, तो एक ही टाइप के अगर आइटम्स, एक ही टाइप के आइटम का से बना हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे ना बाबू, एलिमेंट कहेंगे, ठीक ठीक है, उसको हम लोग। हाँ बाबू, सर आप मुड़े थे ना, तो प्रकाश सिंह भैया का वीडियो ऑन हो गया था, अभी सर ऑफ हो गया उनका, जैसे ही आप उधर मुड़े। हाँ, प्रखर का वो हमको भी पता बाबू, नहीं सर, प्रकाश सिंह भैया का सर, अभी फिर ऑन हो गया उनका। हाँ, ठीक है, तो क्या होगा बाबू, जो बाबू एलिमेंट क्या होता है बाबू, तो जस्ट सिमिलर टाइप ऑफ आइटम से बने हो बाबू, जो क्या है सिमिलर टाइप ऑफ आइटम से बने, एक ही टाइप का उसमें आइटम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आइटम का कंसेप्ट क्लियर, मॉलिक्यूल्स और आयन आ गया, क्या बाबू, मॉलिक्यूल्स आयन है ना, मॉलिक्यूल्स और आयन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर, मॉलिक्यूल्स क्या होता है सर, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स क्या होता है बाबू, ठीक है ना। तो देखो अब शांति से यहाँ से सुनो, खाइएगा नहीं यार, तो समझाइएगा, लिखो शैतान, लिखो 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 लिखो, सर पहले समझा दीजिए ना, लिखो 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 शैतान, पांच मिनट दस मिनट बचाए, लिखो हेडिंग, पांच मिनट बचाएगा, मैटर और एटम, तो फिर मॉलिक्यूल्स कल बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लिखो हेडिंग दो, शैतान हेडिंग दो, लिखो बाबू, बताइए कौन डिस्कवर किया है। अच्छा लिखिए हेडिंग बाबू, एटम बाबू, मॉलिक्यूल, बहुत मजा आ रहा था कहानी सुनने में, एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, और आयन हो गया, आयंस हो गया, ठीक, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन, फ्रेश चैप्टर बाबू है ना। तो एटम में बाबू पहले हम लोग सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे मैटर है, ठीक है, इंक भी खत्म हो गया, मैटर है, मैटर, मैटर के बारे में बाबू थोड़ा सा लिखते हैं। प्रकाश सिंह, इसके पापा का फोन, ठीक है, इसके पापा का भी फोन करते हैं, ठीक है ना, एनीथिंग बाबू सर, आज सर ऋषिता भैया दीदी का भी, हाँ बाबू, एनीथिंग बाबू, डेटा कुपाइज, इससे बढ़िया इसका सिस्टर है, ठीक है ना, वो एक बार जहाँ जो आ जाती है ना, तो एकदम कौवा की तरह पढ़ती है, इधर बगुला की तरह एकदम इधर उधर ध्यान कुछ नहीं करती है, एनीथिंग बाबू डेटा, हाँ एनीथिंग बाबू, डेट अकुपाइज बाबू, स्पेस स्पेस, डेट अकुपाइज स्पेस बाबू, हैज मास, हैज मास एंड बाबू ऑफर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड बाबू मैटर, ठीक। शैतान कौन कौन है, शिवम है, संजना है, लेट से क्यों आती हो संजना, प्रकाश सिंह, आप लोग को हम 7 बजे भी कर देंगे ना बाबू, तो डेफिनेटली 10 मिनट लेट करके 7:15 बजे आओगे, फिर थोड़ा सा 7:30 कीजिए, फिर सर 8 बजे कीजिए, एग्जाम्पल सर, नहीं सर फिर मेरा स्कूल हो जाएगा। हाँ बाबू, इसीलिए टाइम ना, हम गलती हमसे हो गया बाबू, कि आपके हम मासूम चेहरा के पीछे आ गए, 10 मिनट इंक्रीज करके हम फंस गए, ठीक है ना सर, सब कोई ना मना करेगा सर, बस एक तो प्रखर के वजह से आप कर दिए। हाँ सर, एक बच्चे के चलते सर कर दिया, मासूम चेहरा के पीछे 520 पे रख दीजिए सर, ये सर वापस से वही टाइम कर दीजिए। जैसे बाबू मैटर क्या होगा बाबू, बुक हो गया सर है ना, बुक हो गया सर, रहने दीजिए, मत करिए सर, वही रहने दीजिए, एयर एयर हो गया, चेयर हो गया, पेन हो गया बाबू, काफी हो गया, जिसमें बाबू स्पेस हुआ, जिसमें क्या हुआ वो मास को पाए कर है ना, हवा सर, हवा सर, हवा में कैसे मास है सर, अरे बाबू हवा को बैलून में क्या करो, भर दो, ठीक है ना, तो उसको एक जगह रखोगे तो स्पेस तो लेगा ही, और उसको बाबू जब वेट करोगे तो बैलून हवा का कुछ ना कुछ तो मास आएगा बाबू,
तो हवा भी मेरा क्या बाबू मैटर है, हवा भी क्या बाबू मैटर है, क्योंकि ये भी मेरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और ये भी बाबू मेरा क्या होता है मास होता है ना बाबू मास होता है। तो बुक हो गया, एयर रेजिस्टेंस कैसे ऑफर करता है सर? एयर रेजिस्टेंस ऑफर करता नहीं बाबू, मान लो इस सब्सटेंस ऊपर से नीचे से इसको गिरा रहे है ना, तो ये इसके आसपास जो एयर बाबू इसको नीचे गिरने से क्या करेंगे, रोकेंगे 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 है ना, रोकेंगे बाबू है ना, इसको रोकेगा ठीक है ना। तो वही एयर का रेजिस्टेंस हो गया बाबू है ना, एयर का रेजिस्टेंस हो गया। एक फीदर को गिरा पंख बाबू, देखो बहुत क्या होगा, बहुत स्लोली स्लोली गिरेगा है ना, बहुत क्यों सर, क्योंकि वहाँ पे एयर का रेसिस्टेंस क्या ज्यादा है। अब बाबू एक ऐसा शेप को बना है ना, ऐसा शेप बाबू आयरन के रॉड को दिखा, तो इसमें एयर रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा ईटी से बाबू है ना। नेक्स्ट बाबू आइटम अभी किसके पापा ही फोन करना है, प्रकाश सिंह के पापा हैं, सत्यम सत्यम के पापा हैं, किसको डिफाइन करोगे? दीदी। अच्छा ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट बाबू, द स्मॉलेस्ट यूनिट मार्कर खत्म, द स्मॉलेस्ट यूनिट बाबू ऑफ ए मैटर भीच बाबू, बीच बाबू मे और मे नॉट बाबू हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आइटम ठीक है। जो बाबू इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करे, जैसे एग्जांपल सर, तो हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन कभी अकेले नहीं रहेगा, कभी हाइड्रोजन का आइटम अकेले नहीं पाया जाएगा, ये और अपने दोस्त के साथ लाएगा ठीक है ना, तो क्या बना देगा H2 बना देगा है ना ठीक है, H2 बना देगा। तो ये क्या हो गया सर, हाइड्रोजन का आइटम हो गया, H आइटम हो गया, लिखो शैतान लिखिए देते हैं, ये क्या हो गया बाबू हाइड्रोजन आइटम हो गया, पूरा लिख देते हैं, हाइड्रोजन आइटम हो गया है ना, ये हो गया हाइड्रोजन आइटम, और ये भी दोनों क्या हाइड्रोजन आइटम, तो अकेले नहीं पाएगा ये आइटम बाबू, अकेले नहीं एग्जिस्ट करता ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाबू एग्जिस्ट भी करता है, क्या बाबू कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं एग्जिस्ट भी करते हैं ना, एग्जिस्ट भी करते हैं, बताते हैं मे नॉट है, एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता ठीक है। जैसे बाबू नेक्स्ट एग्जाम्पल बाबू ऑक्सीजन ले लो, सेकेंड नंबर क्या ले लो बाबू ऑक्सीजन ले लो, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अकेले नहीं करेगा है ना बाबू, ये अकेले नहीं रहेगा, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा जब भी रहेगा तो वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा O2 बना देगा। तो ये क्या हो गया बाबू ऑक्सीजन का आइटम हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन आइटम ठीक है ना, ये दोनों का दोनों क्या हो गया ऑक्सीजन का आइटम हो गया। तो O2 क्या बन जाएगा फिर, मॉलिक्यूल बन जाएगा है ना, मॉलिक्यूल बन जाएगा ठीक है। सेकेंड थर्ड बाबू सर ऐसा सिलिकॉन के साथ होगा, कौन सा बाबू सिलिकॉन, सिलिकॉन बाबू ये मोनोटॉमिक होते हैं, SI2 नहीं बनाते हैं ना, इसी में सब पढ़ाएंगे, कहां ये 2 आएगा कहां 3 आएगा सब बताएंगे। बताओ सत्यम बाबू, सतीश बाबू, इनर्ट गैस कौन कौन सा है, नोबल गैस या इनर्ट गैस कौन कौन सा बाबू? सर मैं बताऊं सर? नहीं उसको बताने दो, बताओ सत्यम, पीरियोडिक टेबल लाया नहीं लाया बाबू? नहीं सर पीरियोडिक टेबल नहीं लाया। हां बाबू का है लाला बाबू, जिंदगी से क्या मतलब है बाबू, क्या मतलब, सही बात है बाबू, बाबू इनर्ट गैस बाबू वहां पे बाबू पीरियोडिक टेबल में देखना कौन कौन सा सर, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन सर एक्सनन रेडॉन। हां बाबू, तो बाबू जब सबसे लास्ट में जाना पीरियोडिक टेबल को बाबू सबसे लास्ट में जाना, तो जो 18 एक ग्रुप होगा 18 नंबर जो लिखा होगा 18 नंबर, उसके नीचे हीलियम होगा नियॉन होगा आर्गन होगा, तो जो इनर्ट गैस है बाबू, जो इनर्ट गैस हीलियम नियॉन आर्गन फिर क्रिप्टन। अच्छा ठीक है, जो इनर्ट गैस है कहां स्पेस नहीं बच रहा बाबू, जो इनर्ट गैस है या बाबू जो उसको नोबल गैस भी कहते हैं,
इनर्ट कहने का मतलब, हाँ वो ऊपर वाला कर रहे हैं, इनर्ट गैस कहने का मतलब वो जो रिएक्शन नहीं करता है। सर जानवी शर्मा दीदी लगता है बेड पे सो गई फोन छोड़ के, उसको उसको तो और ढूंढेंगे। नो सर नहीं सर सर इनर्ट गैस कौन कौन सर जानवी शर्मा कौन कौन सा इनर्ट गैस है बाबू? इनर्ट गैस बाबू या बाबू इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, है जो बाबू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है जो हम लोग अपने लेवल तक तक बाबू इसको इंडिपेंडेंट मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में बाबू पाया जाता है एग्जिस्टेंस, ठीक है इनर्ट गैस बाबू है ना। जैसे सर एग्जांपल सर इसमें, सर इसमें कौन कौन सा इनर्ट गैस है बाबू? हीलियम हो गया सर, नियोन हो गया सर, ठीक है आर्गन हो गया सर, क्रिप्टन हो गया, हीलियम हो गया सर, नियोन हो गया, आर्गन हो गया है ना बाबू, आर्गन हो गया, ईटीसी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो इनर्ट गैस है बाबू, ये बाबू किसी गैस से रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, अपने स्वतंत्र रहेगा, स्वतंत्र है। लेकिन हाइड्रोजन अकेले, हाइड्रोजन आइटम कभी नहीं आएगा, जब भी रहेगा दो गो आएगा, दो गो मिल के आएगा, ऑक्सीजन कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा, स्वतंत्र फ्री एग्जिस्टेंस, मैंने स्वतंत्र में नहीं पाया जाएगा, जब भी आएगा दोस्ती करके आएगा है ना बाबू, दोस्ती करके आएगा। तो ये क्या बाबू चैप्टर आपका आइटम मोलिकुल्स और आयन है ना, इसको मन तन से पढ़ना, मन तन से पढ़ना है ना बाबू, यही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, यही बाबू केमिस्ट्री का बेसिक है, आइटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सब बाबू बहुत बार आपको बता। सर तो एटम्स में कुछ और बाकी रह गया सर, एटम तो खत्म हो गया। अरे शैतान इसके अंदर भी आओ एंट्री करोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ गया बाबू? ठीक है सर बाय सर, लीव कर तो समझा दिए ना सर। हाँ तो उसको लिखाना बाबू, लिखाना भी अभिनय प्रकाश।